नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गोल्ड और सिल्वर में निवेश, इसके यूं तो कई तरीके हैं, लेकिन आज के इस खास शो में हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश की खासियत के बारे में जानेंगे। तो इस साल के पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड और सिल्वर ETF में कैसे निवेश करना चाहिए, कैसे आप पोर्टफोलियो की चमक बढ़ा सकते हैं, इसी पर रहने वाली है हमारी आज की खास चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मठपाल और फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी। पंकज जी और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर खासतौर पर, और उसमें भी गोल्ड ने 2023 में बहुत उसके जो दाम थे आसमान छूते हुए नजर आए। जब हम अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर समझें, पंकज जी आपसे शुरुआत करें, तो गोल्ड और सिल्वर की जब बात होती है, कमोडिटी की जब बात होती है किसी भी पोर्टफोलियो में, तो उसकी खासियत एक पोर्टफोलियो में क्या हम समझें? हम अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग एसेट क्लासेस की बात करते हैं, पर गोल्ड और सिल्वर में निवेश एक पोर्टफोलियो की चमक कैसे बढ़ाता है? स्वाति जी नमस्कार। देखिए, एसेट एलोकेशन के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी डेट के साथ साथ कमोडिटी, जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर शामिल है, वो भी हो। इससे फायदा ये, देखिए, अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो आप डेफिनेटली हर एसेट क्लास की अपनी इम्पोर्टेंस है कि इक्विटी में हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दिखाई देते हैं, लेकिन यदि हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो पोर्टफोलियो में जो गोल्ड और सिल्वर है उसमें उतना रिस्क नहीं होता है, भले ही रिटर्न कम हो। तो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गोल्ड और सिल्वर इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी बढ़ने की उम्मीद रहती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। बिल्कुल, तो गोल्ड और सिल्वर यानी कमोडिटी की खासियत एक पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एनी अदर एसेट क्लास। प्रवीण, अगर हम गोल्ड ETF के खास तौर पर अगर निवेश देखें 2023 में, हमने लगभग पिछले छः महीनों के निवेश को यहाँ पर देखने की कोशिश की, और उसमें भी नवंबर, फिर उससे पहले अक्टूबर, उससे पहले सितंबर, अगस्त और फिर जुलाई, सर्वाधिक गोल्ड ETF में जो निवेश आया वो अगस्त में आया था, 28 करोड़ रुपए का। और उसके बाद नवंबर में हमने इसको थोड़ा गिरते हुए देखा, 333 करोड़ रुपए का निवेश आया। अगर हम ओवरऑल गोल्ड ETF में पैसे आने की बात करें, तो आपके नज़र में कैसा साल रहा है गोल्ड ETF में निवेश के लिहाज से? नमस्कार स्वाति जी। पंकज जी ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से इम्पोर्टेंस हमें बताई है कि किसी भी पोर्टफोलियो का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपके पास कुछ कमोडिटीज में एक्सपोजर हो, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, जिनकी एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रही है। एंड आई थिंक उसी के चलते निवेशकों का रुझान बहुत रहा है इन रिसेंट ईयर्स कि वो अब किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। मेरे ख्याल से अगर हम गोल्ड की इन्वेस्टिंग को ETFs के थ्रू देखें, तो हम लगातार देखते हैं कि फ्लोज आ रहे हैं इन गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स FOFs, जो आप SIP के माध्यम से आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है और वो उसके यूनिट्स जो हैं वो ETF ही खरीदती हैं आगे। तो डेफिनेटली एक रोबस्ट मेरे ख्याल से ट्रेंड रहा है इनटू गोल्ड बाइंग। बट मेरे ख्याल से स्वाति, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टैक्सेशन जो हमने मार्च में देखा था, एंड हमारे पास क्योंकि पैरेलली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं गोल्ड बाइंग के लिए, वो मेरे ख्याल से ट्रेंड जो है वो उतार चढ़ाव देखता चला जाता है, स्पेशली टूवर्ड्स जो फेस्टिव सीजन होता है, वहां पे कई बार आपके फिजिकल गोल्ड की तरफ परचेज की भी टेंडेंसी होती है, एंड मेरे ख्याल से वो एक रीजन रहा है डिप का भी। और गोल्ड जैसे महंगा होता है तो इवन बायर्स समझते हैं कि हम इस टाइम पे यूनिट्स खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, जिनका लमसम परचेज रहता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से गोल्ड की इम्पोर्टेंस निवेशकों को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियोज के लिए समझ में आ रही है, उनका रुझान है। और चाहे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए, ETFs देखिए, हम देख रहे हैं लगातार हल्का सा शिफ्ट अवे फ्रॉम फिजिकल गोल्ड भी है। बिल्कुल पंकज जी, हमने 2023 में खास तौर पर देखा थोड़ी ग्लोबल अनिश्चितता थी शुरुआत में,
फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, उसके बाद इक्विटी बाजार ने बहुत अच्छा करना शुरू किया. डेफिनेटली इनका इन्वर्स कोरिलेशन है इक्विटी और गोल्ड का, लेकिन फिर भी हमने कम से कम गोल्ड के दाम आसमान छूते हुए तब भी देखे. 2024 में जैसे गोल्ड ETF में निवेश की हम बात कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में गोल्ड ETF को लेकर नजरिया कैसा होना चाहिए सर, और क्या फायदे हैं अगर हम गोल्ड में ही निवेश की बात करते तो गोल्ड ETF में ही क्यों? बिल्कुल, देखिए पहली बात यह कि गोल्ड के प्राइसेस दो वजह से बढ़ते हैं. एक तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ने से, डिमांड बढ़ने से, दूसरी बात क्योंकि गोल्ड हम इम्पोर्ट करते हैं. तो इम्पोर्ट करते हैं, यदि डॉलर महंगा होगा रुपए के अगेंस्ट में तो उससे भी महंगा हो जाएगा सोना अपने आप, वो भी कारण होता है. और समय समय में देखा है हमने कि कई बार सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है जिसकी वजह से भी सोना महंगा हो जाता है. तो कई कारण है महंगा होने की. लेकिन जहां तक ये है कि 2024 में हम बात करें कि निवेश करना है तो कितना करना चाहिए और ETF में क्यों करना चाहिए, तो पहली बात तो यह है, देखिए सोने से हमेशा प्यार रहा है इंडियंस को, और हम देखें तो वर्ल्ड की जो टोटल डिमांड है उसमें इंडिया नंबर वन पर आता है, तो इंडिया का सोने से प्यार तो है ही है. और जरूरत भी ऐसी है कि चाहे बच्चा घर में पैदा हो या बच्चों की शादी हो, कहीं भी हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, आप सोना खरीदना पसंद करते हैं. और निवेश के हिसाब से जैसे हम बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी हो जाता है, तो वहां पर सोने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. ETF में खास तौर पर फायदा यह है कि आप यूनिट्स के रूप में बाय करते हैं और रियल टाइम बेसिस पर बाय कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि सोना आपको फिजिकल फॉर्म में बाय करना है तो दिन का एक ही रेट तय होगा, उस पर बाय करना होगा. इवन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी बात करें तो जब सीरीज ओपन होती है तो जो प्राइस होता है उस पर आप बाय करते हैं. लेकिन यदि हम बात करें ETF की, तो ETF का प्राइस जो होता है वो आप रियल टाइम बेसिस पर बाय कर सकते हैं, रियल टाइम बेसिस पर सेल कर सकते हैं मार्केट आवर्स में. तो ये एक बड़ा बेनिफिट है. दूसरी बात है लिक्विडिटी, आप जब चाहे तब उसे बेच सकते हैं और मतलब यूनिट्स के रूप में आप खरीदते हैं तो एक एक यूनिट करके भी आप बेच सकते हैं, वो भी पॉसिबल है. बस ये है कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट में बाय किया आपने, डीमैट में बाय कर सकते हैं, उसके बाद में सेलिंग और बाइंग दोनों ही यहाँ पर इजी है. बिल्कुल. और प्रवीण, थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में रहता है क्योंकि जब बाजार में पैसे लगता है, अगर आपको सोने में निवेश करना है बाजार के रूट के थ्रू, हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होता है. तो गोल्ड फंड इन निवेशकों के और लोगों की समझ के लिए गोल्ड ETF से कितने अलग हैं? स्वाति जी, ETF जो है वो डायरेक्ट स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, एंड आप दिन में, जैसे भी पंकज जी ने बताया, आप मॉर्निंग में ट्रेडिंग आवर्स के टाइम पे बाय एंड सेल कर सकते हैं और उसका एंड ऑफ द डे पे एक NAV भी डिक्लेयर होता है. जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो जो AMCs हैं, उन्होंने ही अपने ETFs में लोग पैसा लगा पाए उसकी फैसिलिटेशन के लिए बनाए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम ETFs में SIP नहीं कर सकते हैं, कुछ DMAT की आपको रिक्वायरमेंट रहती है. इन छोटी छोटी जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको ओवरकम करने के लिए जो AMCs हैं, उन लोगों ने अपने ETF में पैसा डालने के लिए फंड ऑफ फंड लॉन्च किए हुए हैं. सो आप देख लीजिए, जैसे अगर मिराए का ETF है तो उनके पास एक FOF भी होगा जो उन्हीं के ETF में पैसा डालेगा. एक्सपेंस रेशियो भी स्वाति जी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हम गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डाल रहे हैं तो वह हमारा एक्सपेंस पड़ रहा है. वह कन्वीनियंस बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज क्या पता मैं एज अ निवेशक महीने का 500 रुपए लगातार हर महीने डालना चाहूँ या वीकली बेसिस पे डालना चाहूँ, वो कन्वीनियंस हमें गोल्ड फंड देता है. और पैसा आपका ETF के थ्रू अल्टीमेटली जो एक ग्राम ऑफ गोल्ड है या जितनी आपकी यूनिट डिसाइड हुई है उतना उसी के हिसाब से वो सोना खरीदा जाता है. और AMCs अपने सेव डिपॉजिट्स में उतना प्योरिटी का सोना, हाईएस्ट प्योरिटी का सोना खरीद के अपने पास सेफ वॉल्ट्स में रखते हैं. सो सिर्फ कन्वीनियंस ऐड करता है, और बाकी जो सारी उसकी खूबियां हैं ETFs की, सिर्फ विद इन द डे टाइम बाइंग एंड सेलिंग की हमें म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलती है, उसके अलावा सारे बेनिफिट्स हैं. ओके, तो ये बारीकियां समझना गोल्ड फंड और गोल्ड ETF में जरूरी है. पंकज जी, पोर्टफोलियो में किसी को अभी गोल्ड ETF ऐड करना है तो कौन से ETFs हैं जो बाजार में अच्छा रिटर्न
कमा चुके हैं पिछले रिटर्न के हिसाब से, एक तीन और पांच साल के हिसाब से, और पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए वैसे तो गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसके रिटर्न जो होंगे ऑलमोस्ट सेम होंगे, मतलब 1% का फर्क आप देख सकते हैं क्योंकि वो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। लेकिन अगर हम देखें जैसे इक्विटी में कई बार देखते हैं कि एक फंड का रिटर्न जो होता है उसी कैटेगरी का वो काफी कम होता है, दूसरे का काफी ज्यादा होता है, आपने कई बार देखा हो 10-10% या उससे भी ज्यादा का दिखाई दे सकता है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में वैसा नहीं है, तो उतना अंतर नहीं होगा। और अगर बात करें कौन से फंड्स, तो मैं कहूंगा जैसे कि आईपी बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ है, एक्सिस गोल्ड ईटीएफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडिटी भी आपको देखने को मिलती है, तो ये कंसिडर किए जा सकते हैं। और स्वाति जी एक बात और मैं ऐड करूंगा, जो प्रवीण जी अभी बता रही थी गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में, एक थोड़ा सा फर्क ये है कि जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो वहां थोड़ा सा कैश कंपोनेंट हो सकता है जब आप बाय करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब ईटीएफ में ईटीएफ बाय करते हैं तो थोड़ा यहाँ पर फर्क आपको दिखाई दे सकता है। जब आप ईटीएफ बाय करेंगे तो पूरा पैसा आपका सोने में है, जब गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं आप तो ईटीएफ के साथ साथ उस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कैश हो सकता है, जिसकी वजह से फर्क दिखाई दे सकता है। और दूसरी बात, गोल्ड ईटीएफ जो बात कर रहा था कि थोड़ा सा फर्क आता है 1% का अंतर आप देख सकते हैं कई बार, तो वो होता है बेसिकली ट्रैकिंग एरर, तो किस तरह से गोल्ड ईटीएफ को मैनेज किया जा रहा है उसके बेसिस पर थोड़ा अंतर आएगा। बाकी अगर हम देखें तो गोल्ड ईटीएफ चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हो या फिर वो आईपीएल बिरला सन लाइफ का हो, आपको बहुत ज्यादा फर्क वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो गोल्ड ईटीएफ के फायदे कैसे पोर्टफोलियो में शामिल करें, खास चर्चा चल रही है, पोर्टफोलियो की चमक कैसे बढ़ाएं, गोल्ड और सिल्वर में निवेश के तरीके वो भी ईटीएफ के जरिए। हमारे साथ पंकज मटपाल हैं और प्रवीण बाजपाई। प्रवीण, गोल्ड की तो हमने चर्चा की, सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। हमने देखा कुछ समय पहले सिल्वर ईटीएफ भी बाजार में आए और काफी कुछ एकाध जो एएमसीज हैं वो सिल्वर ईटीएफ उनकी पेशकश है, क्योंकि निवेशकों के पास मौका अब सिल्वर में भी निवेश का है। सिल्वर इन्वेस्टमेंट गोल्ड इन्वेस्टमेंट से कितना अलग है, क्योंकि सिल्वर इन इटसेल्फ ये जो मेटल है वो ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है और इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी ज़्यादा है, तो निवेश के लिहाज से सिल्वर अगर हम जाने तो कितना अलग है? जी 2021 में हमारे पास सेबी ने मैंडेट दिया था, उसके बाद से लॉन्च होना शुरू हुए हैं स्वाति जी सिल्वर के जो ईटीएफ और फंड्स हैं। अगर हम दोनों के ट्रेंड्स को कंपेयर करें, एक डिमांड सोर्स को कंपेयर करें, तो हम देखते हैं गोल्ड की जो 50% डिमांड है वो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ज्वेलरी के लिए होती है, वहीं करीबन 50-55% की जो डिमांड है सिल्वर की वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। सिल्वर का जो तालमेल है वो इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी, ग्रोथ कितनी होगी, रिसेशन का टाइम तो नहीं है, उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग की कैसा आउटलुक है बिकॉज ऑफ द यूजेज, क्योंकि हम गोल्ड में देखते हैं 50% हमारा कंजम्पशन हो गया, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिमांड है, और उसके अलावा जो थर्ड लार्जेस्ट सेगमेंट है वो सेंट्रल बैंक्स भी क्योंकि गोल्ड खरीदते हैं, जबकि सिल्वर में हमारा इंडस्ट्रियल आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक। हम कुछ समय से अगर हम पहले का डेटा देखें तो हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली टेक्सटाइल हो गया, फोटोग्राफी हो गया, इंडस्ट्रियल बैटरीज हो गई, इस टाइप की इंडस्ट्रीज में सिल्वर का यूजेज रहा है। पर सिल्वर का आउटलुक आगे के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूअर इंडस्ट्रीज हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, सोलर पैनल्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, जिनमें सिल्वर का काफी यूजेज है। सो सिल्वर इज एक जो कॉम्पोनेंट के हिसाब से हमें कमोडिटी के हिसाब से देखें, उसमें वोलेटिलिटी भी हमें इसलिए दिखती है क्योंकि वो इकोनॉमिक साइकिल से ज्यादा जुड़ा हुआ है, पर अगेन एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। एंड मैं बोलूंगी कि गोल्ड एंड सिल्वर उन दोनों की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। गोल्ड एक बहुत ही सेफ और एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्रिडिक्टेबल कमोडिटी है, जबकि जैसे आपने बोला सिल्वर थोड़ा हम वोलेटिलिटी देखते हैं, और एक गोल्ड सिल्वर का एक रेशियो होता है जिसको इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री में ट्रैक किया जाता है, वो हमें अंदाजा देता है कि गोल्ड ओवर वैल्यूड है या सिल्वर अंडर वैल्यूड है, और उससे यूजुअली लोग अपनी सिल्वर की बाइंग को देखते हैं।
कंपैरेटिवली गोल्ड के कंपैरिजन में इसको हम ज्यादा टैक्टिकल कॉल या सैवी इन्वेस्टर्स के लिए बोल सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर ज्यादा सूटेड है। तो 2024 में पंकज जी सिल्वर एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पोर्टफोलियो में कितना शामिल किया जाना चाहिए? क्या गोल्ड और सिल्वर दोनों ही की जगह एक पोर्टफोलियो में हो सकती है? सिल्वर जैसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, क्योंकि हम सिल्वर ETF की बात कर रहे हैं, कैसे निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि गोल्ड हो गया तो उसको थोड़ा सा सुरक्षित तरीका माना जाता है किसी भी फॉर्मेट में। सिल्वर में ये भी तरीका सटीक बैठता है? स्वाति देखिए, गोल्ड में तो खैर हमारे पास विकल्प पहले से मौजूद थे। गोल्ड ETF की बात करें या फिर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खैर 2014 से मार्केट में आ गया था, लेकिन सिल्वर जो इस फॉर्म में आया है, सिल्वर ETF, वो 2021 में ही आया। लेकिन अगर बात की जाए रिटर्न की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो सिल्वर ने कभी भी लंबे समय की बात करें या फिर हम लास्ट वन ईयर की बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न डिलीवर नहीं किए हैं। कुछ पीरियड्स ऐसे रहे हैं जिस वक्त पर काफी अच्छी डिमांड रही और प्राइस अप्रिसिएशन काफी हुआ, लेकिन वैसा देखा जाए तो लास्ट वन ईयर में अराउंड 3% का रिटर्न दिया सिल्वर ने। 10 ईयर्स की भी बात की जाए तो लगभग 4% के आसपास CAGR निकल कर आता है। तो इसलिए सिल्वर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी नहीं गई, लेकिन फिर भी हम अगर ये माने कि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बढ़ रही है और पोर्टफोलियो में थोड़ा होना चाहिए, तो या तो आप मान लीजिए 10% जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका गोल्ड में कर रहे हैं और 5% के आसपास आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर लें। ऐसा कर सकते हैं पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अदरवाइज मैं कहूंगा स्वाति जी, एक ऑप्शन और भी है कि आप कुछ सिल्वर एंड गोल्ड ETF, ये भी विकल्प मौजूद है, या फिर सिल्वर एंड गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड। तो उदाहरण के तौर पर यदि लास्ट वन ईयर में सोने 13% के आसपास रिटर्न दिया और सिल्वर ने करीब 3% रिटर्न दिया, तो यदि किसी इन्वेस्टर के पास खाली सिल्वर था तो शायद निराश होंगे। लेकिन यदि आपने गोल्ड एंड सिल्वर ETF में निवेश किया हो, मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF, तो उसका रिटर्न करीब करीब 8% के आसपास रहा। तो मेरे हिसाब से ये भी विकल्प है कि यदि आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर दोनों चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक गोल्ड एंड सिल्वर ETF बाय कर लें। और अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि 10% ऑफ द पोर्टफोलियो गोल्ड में है और 5% आपका सिल्वर में है, ये भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि लगभग 10% या मैक्सिमम 15% तक आप सीमित रखिए कमोडिटीज यानी गोल्ड या सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब गोल्ड के साथ साथ तो सिल्वर में भी निवेश के मौके आ गए हैं और कुछ फंड्स भी हमने दिखाए जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बस पोर्टफोलियो में इस बात की समझ ज़रूरी है कि आपको किस पर्पज़ के लिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है और ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर देना है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन गोल्ड या सिल्वर जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सही नहीं है। इसलिए अब बहुत धन्यवाद हम करेंगे पंकज जी और प्रवीण आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और पोर्टफोलियो की चमक कैसे बढ़ाई जाए 2024 में इस पर चर्चा करने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।